क्वेश्चन नंबर 20 ट्वेल्थ क्लास मैक्सिमा एंड मिनिमा। अभी अभी हम लोगों ने 19 क्वेश्चन किए थे, सॉल्व किए थे एनसीईआरटी का। और क्वेश्चन नंबर 20 इस वीडियो में करेंगे हम लोग इस क्लास में, कि 20 क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा जो आसानी से हम लोग सॉल्व कर सके। जी जैसे 19 अभी हम लोगों ने वर्क छोड़ा हुआ, और मैंने बोला था कि 19 से 26 तक एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और हमने सीखने के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो आइए 20 में जिसमें कह दिया है, इसमें हिंदी में कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि परदत्त पृष्ठ का मतलब होता है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एवं महत्तम आयतन, यानी मैक्सिमाइज करने वॉल्यूम को, कि बेलन की ऊंचाई, महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। यानी एक तो हमने मैक्सिमाइज करना है, और आपको कह रहे ऊंचाई आधार की जो व्यास है बेलन की उसके बराबर होती है, डेट मीन की सिलेंडर शो डेट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया यानी सरफेस का मतलब सरफेस एरिया, जिसको हिंदी में कहा गया है परदत्त पृष्ठ। गिवन सरफेस जब कह दिया तो समझ लीजिए वो टोटल सरफेस एरिया है। तो ऐसा है वो, क्योंकि जब कर्व सरफेस एरिया होगा, वक्र पृष्ठ होगा, वक्र पृष्ठ हिंदी में कहते हैं, वहां लिखा होगा, उसमें लिखा होगा कर्व सरफेस एरिया, लेकिन यहां पर टोटल सरफेस एरिया है एंड ये गिवन है, यानी सरफेस गिवन केस में है, टोटल सरफेस एरिया गिवन है, और गिवन है और साथ में कह रहा है कि वॉल्यूम यानी मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना, आयतन को मैक्सिमाइज करना है, महत्व बताना है। इट सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, यानी जो सिलेंडर का हाइट होगा वो बेस का जो डायमीटर है उसके इक्वल दिखाना है। तो ध्यान दीजिए यस हाइट जो है ऊंचाई जो है व्यास के बराबर होगा। तो सिलेंडर आप अच्छे जानते हो, डायग्राम बनाएंगे जी, क्या बना दिया मैंने, ये मैं कौन बनाने लग गया, कौन था वो सिलेंडर जो हमारे घर में गैस पर, गैस सिलेंडर जानते हो उसको खाना बनता है, राइट। ये आपका हम लोग का सिलेंडर हमने बनाया है ना, 9th-10th में मेंस्ट्रुएशन हम लोगों ने खूब पढ़ कर आया, वहां पर सिलेंडर के बारे में खूब था, एरिया वॉल्यूम। ये यहां पर जो बना दिया है ये दोनों बॉटम जानते हो इक्वल होता है, और ये जो हमने यहां से बीच से ज्वाइन कर देते हैं हम लोग, ये क्या इसका हाइट है, क्या है हाइट, तो ये भी है ये भी है, ये तीनों ही हाइट ही है ना, ये हाइट है, और यहां पर सेंटर हो गया है, क्योंकि ये जो बेस है नीचे और ऊपर दोनों सर्कुलर होता है, यानी सर्कल होता है, इसीलिए इसका नाम इंग्लिश में सर्कुलर राइट सिलेंडर, सर्कुलर राइट सिलेंडर। राइट क्यों बोलते हैं, सर्कुलर तो ठीक है, सर्कल यहाँ पर है, ऊपर भी सर्कल है, नीचे पेंद्री में भी सर्कल है, दोनों इक्वल है, वो इक्वल तो है, यहाँ भी वृत्त बन रहा है, यहाँ भी वृत्त बन रहा है, तो वृत्तीय हो गया वो, तो ठीक है वृत्तीय सर्कुलर हो गया, लेकिन राइट क्यों कहते हैं राइट सर्कुलर, क्योंकि सर दोनों सर्कल इक्वल रेडियस राइट का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब राइट का समान सोच लिए ना, राइट का मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल समकोण, याद नहीं देखे पर यहाँ इस बेस के साथ क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, देखिए ये ऊंचाई हमने जो हाइट रोक दिया है जो 90 डिग्री बन रहा है, इसीलिए इसका नाम है पूरा राइट सर्कुलर सिलेंडर है ना, वृत्तीय बेलन या वृत्तकार बेलन जो भी बोलते, वृत्तीय बेलन है ना, वृत्तीय समकोण बेलन जो भी है। तो हमारा ये हाइट हो गया है, हाइट ए भी है, मैंने कहा हाइट ए भी है, एक ही बात है, और ये रेडियस है, क्या है यहाँ भी रेडियस है, यहाँ भी रेडियस है ना, ध्यान समझिए, आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये हमने मान लिया यहाँ हुआ है, हमने नाम लिया है, यहाँ ये है, ये बी नाम दे दिया हमने, ऊपर भी नाम दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें गिवन क्या है, सरफेस एरिया, क्या गिवन है
हमने हालांकि जो नाम दिया उसे लेने देना नहीं है, ये जो नेमिंग किया है मेंशन किया उसे कोई लेने देना नहीं है, कोई इसका जरूरत ही नहीं है, कोई काम ही नहीं उसका है। काम क्या है? गिवन का और जो प्रोसीड करना है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा गिवन लिख लेंगे, बस गिवन इतना ही है। क्या है? एक क्या है, सिलेंडर है, बस क्या है, सिलेंडर है, यानी वित्तीय बिलन है। ये कहते हो कि वित्तीय क्या है, बिलन है, और इस बिलन में यानी हाइट हमने देखा ये हाइट है और ये क्या है, आर है, रेडियस है। इन बीच आप देख रहे हैं कि हाइट जो हमने लिया है, हाइट को हमने एच लिया है और रेडियस, रेडियस का लिया हमने आर स्टूडेंट के, ये ना है कुछ और इसमें नहीं कह रहा है, बस इतने काम कह रहा है इतने। तो हमने ट्रू प्रूफ क्या करना भाई, ट्रू प्रूफ यानी क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, गिवन है, हाँ ये ध्यान रखना है, गिवन भी क्या दिया हुआ, सरफेस एरिया क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, ये गिवन है। तो क्या प्रूफ करना हमने, हमने प्रूफ करना है कि इसका एच जो होना चाहिए, एच जो होना चाहिए क्या, व्यास की कौन होना चाहिए यानी डायमीटर की कौन होना चाहिए यानी टू आर की कौन आना चाहिए। देखिए पहला प्रूफ ये करना है, हाँ यस, ये हमारा प्रूफ करना है कि हाइट जो होना चाहिए, हाइट ऊंचाई व्यास की कौन होनी चाहिए, डायमीटर की कौन होनी चाहिए। तो आर और आर टू आर हो गया है ना, ये व्यास हो गया यानी डायमीटर हो गया। और सेकंड क्या करना है, वॉल्यूम आयतन महत्तम हो यानी वॉल्यूम जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वॉल्यूम मैक्सिमम है ना, वैल्यू आपको वॉल्यूम को करना है, मैक्सिमम करना है यानी मैक्सिमम प्रूफ कर देना है ना। ठीक है, ध्यान दी जाइए, हम लोग सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने का तरीका आपको पता है, क्या करते हैं, जो गिवन है वहां से निकालिए और जो प्रोसीड करना है उसमें डालिए, धन करना है। तो गिवन क्या है, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रोनी रोनी दे क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ इसमें, क्या गिवन है, गायब हो गया, खाली बैठ के नाम सुन रहा हूं प्लीज, इसमें क्या जीवन है, क्या दिया हुआ है, आप जीवन फाइव है सर, बोलिए क्या जीवन है इसमें, ये सार दिया है, कुछ नहीं कह सर, ये पांच ये है, पांच ये है, देखा जीवन है पांच ए, इन जी पांच है, कहाँ फाइव है, ये फाइव पांच ए है, ये पांच ए रहा, देखो नीचे दिया हुआ है सर, हाइट है, बैठे तो मूर्ति जैसा है, ये सरफेस एरिया में लिखा है, ये परतत पृष्ठ है, वो सरफेस एरिया है, गिवन क्या मतलब इतने जैसे बोलो क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, खाली सुन लो कहानी है। खुशी क्या गिवन है, हाइट दी हुई है, अच्छा और मतलब हाइट दिया हुआ है, ये गिवन है, एक तो क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, ठीक है, इतने जैसे मैं बोल रहा हूँ भी समझ गए। अब निखिल को बोलना है, निखिल क्या जीवन है, अब पढ़ेगा तो बोलेगा, बुक छोड़िए ना, इतने जैसे बोल क्या रहा हूँ मैं, खाली काम कर रहा था तो वहां पर आए, नहीं सर, हाँ क्या जीवन है, लिया हुआ है कि हाइट और हाइट और उधर भी बोल रही थी, है गिवन है, टू और वन है, दिखाना है जो आप बोल रहे हैं वो दिखाना है, दिखाया हमने टू प्रूफ में दिखाना है कि हाइट इक्वल टू क्या है, डायमीटर, टू और दिखाना है, इसका जो हाइट है इसका ये हाइट और ये बेस दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, दिखाना है। अरे बाबू गिवन है, सरफेस एरिया उसका साथ दिखा है, हिंदी में लिखा परतत पृष्ठ दिया हुआ है, यानी सरफेस एरिया में जो लिख रहे हैं गिवन है सरफेस एरिया, सरफेस सरफेस एरिया, सुनो जब तक क्वेश्चन आपको ये नहीं समझ आएगा कि क्या गिवन है और क्या हमने प्रूव करना है, क्या सिद्ध करना है, तो आपसे एकदम नहीं होगा। पहले क्वेश्चन पढ़ के जो बात समझना होगा, पहले डायग्राम बनाने से पहले समझना होगा कि क्या गिवन है, गिवन सरफेस एरिया है, क्या फाइंड करना है, तो बोल रहा है कि हाइट क्या होना चाहिए, हाइट जो होना चाहिए डायमीटर के इक्वल होना चाहिए,
मतलब ए है ना, यानी व्यास इक्वल होना चाहिए, ऊंचाई इसका व्यास इक्वल होना चाहिए। और दूसरी बता रहा है कि आयतन इसका महत्तम होना चाहिए, यानी वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए। ये दिखाना है बस, अभी तक हम जितने भी दो तीन क्वेश्चन कर रहे हैं सब मैक्सिमम दिखाना आया है ना। आइए तो हम पहले समझ लिए, तो आइए तो हम लोग सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया अब किसका सिलेंडर, यस अब सबको महान हमें कुछ बता बताए जाएंगे, इसको हम जैसे डिनोट करेंगे। चलिए आप ही बोल दीजिए, पहले आई बोल दीजिए, बोलिए बोले सर। हाँ टू पाई आर देख आ रहे हो, देख रहे हैं कहाँ से, हाँ टू पाई आर ठीक है, टू पाई आर इंटू एच प्लस आर, इंटू एच प्लस आर ध्यान से समझिए, टू पाई आर एच प्लस फोर पाई आर स्क्वायर ऑफ। अच्छा कुछ और ऑप्शन मिल गया है, नहीं सर बाबू टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस क्या इसका बेस का ऊपर का दोनों के एरिया प्लस करते हैं। नहीं समझ आया तो इसे बना लीजिए, कर्व सरफेस ध्यान दीजिए, कर्व सरफेस एरिया प्लस प्लस क्या टू मल्टीप्लाई बेस एरिया, बेस एरिया किसका आधार के क्षेत्रफल, टू मल्टीप्लाई क्यों भाई, क्योंकि नीचे भी है सर ऊपर भी है, इसलिए मल्टीप्लाई हो गया। अगर नहीं समझ बना दिए तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टू पाई आर, इसे आपको 9, 10, 15 बार पढ़ने की जरूरत है ना, टू पाई आर एच आप प्लस टू जो है और ये सर्कल है इसे क्या पाई आर स्क्वायर, तो नीचे भी ऊपर है बस यही है। अब इसको हमने कम इसको कॉमन लेने के बनेगा, आपने बोला था पहले में कि टू पाई आर, तो टू पाई आर कॉमन लेने एच प्लस आर बनेगा, जो आपने कहा था वही बनेगा पहले वाले का सही था ठीक है, लेकिन हम कॉमन यहाँ पर नहीं लेंगे, कॉमन लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि इतने रह लेंगे, तो ये हमारा ये हो गया समझिएगा, ये क्या ये है क्षेत्रफल है यानी समझ गए, यही गिवन है और यहाँ से कुछ निकालना होगा, लेकिन क्या निकालेंगे अभी नहीं निकालेंगे, अभी क्या निकालेंगे पता चलेगा वो क्या निकालना है नहीं, तो कब निकालेंगे हम, तो अभी जो प्रोसीड करना है आयतन को वॉल्यूम को उसको पहले आप क्या कर लीजिए लिखिए, जगह छोड़ लेंगे हम लोग। आइए अब जो करना है वॉल्यूम यानी आयतन, आयतन क्या होता है सिलेंडर का, बेलन का आयतन वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, सवाल पाई आर स्क्वायर एच ये हुआ। अब यहां से सोचो, देखिए यहां से सोचिए कि क्या निकाला जाए, आर स्क्वायर भी निकाल सकते हो, यहां से डाल सकते हो, एच भी डाल सकते हो है ना, दोनों में कोई हम डाल सकते हैं। अगर हम एच निकालते हैं तो यहाँ बड़े प्यार से निकल जाएगा यहाँ से एच, अगर आर स्क्वायर निकालेंगे आर निकालेंगे तो प्यार से नहीं निकलेगा, क्योंकि आर स्क्वायर इधर भी आएगा आर भी तो इधर है, तो दोनों ना आर इकट्ठा करना पड़ेगा तभी ना आर निकालोगे, आर प्यार से नहीं निकलेगा, बड़ा सो झंझट है ना, तामझाम है, तो एच के लिए कोई तामझाम नहीं है, बड़े प्यार से निकल जाएगा। आइए यहाँ से एच निकालिए तो इसको इधर लगाइए, ए माइनस टू पाई आर स्क्वायर और टू पाई आर से डाल दीजिए, तो डायरेक्ट में लिखूंगा एच इक्वल टू ए माइनस ए वाला टू पाई आर स्क्वायर अपॉन में ये टू पाई आर लिखे आ गया है, ये लीजिए जी इसी कर लीजिए क्या फर्स्ट, अब यही इसमें डाल देना है, तो आइए हम डालेंगे पुट करेंगे, तो पाई तो है ही आर स्क्वायर भी रहेगा, इस एच की वैल्यू पूरा डालना होगा, ए माइनस समझिएगा टू पाई आर स्क्वायर अपॉन टू पाई आर ये ना है, अब जो करते हैं उसको काट दीजिए, तो पाई एक गया है ना और एक आर भी गया है तो क्या बच गया, तो प्रोसीड हम यही कर लेते हैं, एक बार बार बचा ना आर, अभी से आर को अंदर ले जाइए मल्टीप्लाई करते, एक आर बचा यहाँ पर, एक आर को ये मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो गया ये आर, इस आर को यहाँ भी आ गया क्या हो जाएगा माइनस टू पाई आर क्यूब ना, क्योंकि आर स्क्वायर तो पहले था ये ना, और नीचे में कुछ बचा हुआ है टू बचा हुआ है हाफ हो गया है, ये हमारा ये इक्वेशन जो वी है ये बन गया है। अब इसमें सिर्फ वेरिएबल एक ही तो दिख रहा है आर है, क्योंकि हम क्यों लिख जाए लिख सकते हो वी ऐसे आर लिख दीजिए, यानी हमने आर का एक ए भी है एक तरह कॉन्स्टेंट चलेगा, तो क्या बन गया है ए आर माइनस टू पाई आर क्यूब अपॉन क्या टू,
ये हमारा इक्वेशन बना है, यही इक्वेशन है जो इक्वेशन के लिए हम लोग इतना करते हैं, यही इक्वेशन बना है। अब इसी इक्वेशन को हमने प्रोसीड कर देना, समझ आ गया है पर कि जो गिवन था सरफेस एरिया और एच निकाला हमने, और जो प्रोसीड करना है आयतन को वॉल्यूम को उसमें पुट कर दिया है, लास्ट में सिंपलीफाई हो गए है ना, इक्वेशन आ गया। इसको हमने आगे प्रोसीड करना है, तो आगे जानते हो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना होता है, डिफरेंशिएट करना है, लिख लीजिए वी आर क्या है, वी आर हमारे पास है ए आर माइनस टू पाई आर क्यू अपॉन टू, डिफरेंशिएट कर दिया है, डिफरेंशिएट बोथ साइड से आर की रिस्पेक्ट जी, इसमें सिर्फ आर दिख रहा है, ये तो कॉन्स्टेंट चलेगा, तो विद रिस्पेक्ट टू आर रेडियस के, त्रिज्या आर का है, त्रिज्या है, रेडियस है ना, तो क्या हो जाएगा, अब डैश वाला सिस्टम का कोई दिक्कत नहीं, वी डैश आर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब ये हाफ तो बाहर ले लीजिए, ये डबल बाई टू है बाहर लीजिए, और ये आर क्या हो जाएगा, आर का वन ये रहेगा है ना, माइनस ये कितना का थ्री टू जा सिक्सटीन टू छह अब पाई और आर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया डिफरेंशिएशन खत्म। अगला कदम क्या है, जीरो के इक्वल करते हैं क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू निकालना है, क्रांतिक बिंदु निकालना है जी, तो वी डैश आर इक्वल टू लेना है जीरो, देयरफॉर वन बाई टू ए माइनस सिक्स पाई आर इक्वल टू जीरो, टू क्रॉस मल्टीप्लाई से जीरो बन जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास ए माइनस सिक्स पाई आर इक्वल टू जीरो, सिक्स पाई आर कितना हो गया है ये हो गया, और बाबू यहाँ आर स्क्वायर बचेगा नहीं, क्यों था ना आर स्क्वायर बचेगा, हमने कुछ अजीब लगा कि सिक्स पाई आर क्या होता है, इसलिए मुझे लगा कि कुछ छूट गया, छूट गया तो ये छूटा है, तो हमने ए इक्वल टू आ गया है सिक्स पाई आर, यही ना, ये आपका वैल्यू आ गया है, ए का वैल्यू निकल चुका है ना, आइए जब ए का वैल्यू निकल चुका है पुट कर देंगे, तो पुट क्यों करेगा सोचना भी है, ठीक है आपने सुनिए, आपने कहा कि सर ये वैल्यू आ गया है ए इक्वल टू सिक्स पाई आर स्क्वायर आ गया, ठीक है तो हम आपने कहा इसमें पुट कर, किसमें पुट करना है, इक्वेशन वन, ठीक है आपने कहा इक्वेशन वन पुट कर, बहुत बढ़िया इक्वेशन वन जो बना उसको पुट कर दीजिए, अच्छी बात है, इसको आप टू कह सकते हैं, टू बन गया है, अच्छी बात है, लेकिन पुट क्यों करेंगे, आप सवाल उठता पुट क्यों करेंगे, क्या करना है, क्या हमें चाहिए पुट करें, हम राइट इक्वल टू टू आर करना है, उसके लिए पुट करना है, क्योंकि सेकंड वाला के लिए तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है, राइट ये चीज आपको समझ आ रही है कि क्यों पुट करना है, तो आइए पुटिंग की वैल्यू ऑफ किसका ए, इन इक्वेशन किसमें फर्स्ट, यानी ए का मान, ए का मान समीकरण एक में रखने पर, ये लिखोगे हिंदी में, आइए पुट कर लिए हम लोग, पहले एक बार लिख लेते हैं क्या है, ये इक्वल टू है नहीं एच इक्वल टू है, एच है, एच इक्वल टू है ए माइनस टू पाई आर स्क्वायर अपॉन टू पाई, यही ना है पुट कीजिए ए की वैल्यू, तो ए की जगह पर सिक्स पाई आर स्क्वायर माइनस टू पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या टू पाई आर, ये एच है, यही ना है, आइए चलता रहेगा सिक्स में से दो क्योंकि लाइक टर्म है पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर में तो बचेगा फोर पाई आर स्क्वायर अपॉन टू पाई आर, आज जो कटता है कट दीजिए तो टू टू जा अब पाई भी गया और एक आर भी गया तो नहीं बचेगा टू आर, तो बस एच इक्वल टू टू आर, यानी हाइट क्या है रेडियस का डबल है त्रिज्या का डबल है, यानी हाइट डायमीटर क्या इक्वल है, ये प्रूफ हो गया है कि हाइट जो हो गया हाइट इज क्या है इक्वल टू प्रूफ हैंड्स इक्वल क्या इट्स डाया मीटर है ना, ये ना जिसको हिंदी में क्या कहते हो कि जो ऊंचाई है आपका जो ऊंचाई है ना वो इक्वल हो किसके व्यास के इक्वल हो चुका है, ये हमने पहला प्रूफ हो गया है, आइए सेकंड प्रूफ करना हमने मैक्सिमाइज करना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव किया हुआ कहाँ किया हुआ भाई, ये ना तो इससे आगे हमने
सेकंड डेरिवेटिव कर देंगे, फिर लिख देंगे हम लोग डिफरेंशिएट फिर करना है, कहाँ करना है बोल सकते हैं, साइज करना है क्या विद रिस्पेक्ट टू क्या आर था, हाँ आर है रेडियस के रिस्पेक्ट में करना, ठीक है आइए कीजिए। तो ये क्या लिखेंगे इसको सिंबल बी डबल डैश आर इक्वल टू वन बाई टू चलता रहेगा और ये क्या देगा एक का डिफरेंशिएशन टू, एक का डिफरेंशिएशन टू हो जाएगा, देखा नहीं सर टू नहीं सर एक का डिफरेंशिएशन टू हो जाएगा, वाह रे भाई वाह क्या बात है, एक का डिफरेंशिएशन खुशी जीरो नहीं थे वन हाँ और निखिल जीरो एक का डिफरेंशिएशन डी डी ए अपॉन डी आर लिख चलो है ना बाबू निखिल पास कुछ कर लो है ना, ये भी नहीं पता आपको ये है कॉन्स्टेंट है भाई, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो वेरिएबल बाकी सब क्या होता है कॉन्स्टेंट। तो आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आर के सापेक्ष में त्रिज्या के सापेक्ष में किया जा रहा है, आर के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है तो बाबू ये क्या हुआ यहाँ पर कॉन्स्टेंट हुआ ना, अब यहाँ पर तो ये आर था तो आर का कौन हो गया था ये बाद में खाली बच गया, अब तो यहाँ आर है ही नहीं तो ये गिवन हो गया पर जीरो हो गया, उसी से बोली थी जीरो जीरो हो गया, अभी डिफरेंशिएशन में आप लोगों को दिक्कत है तो जीरो हो गया है, जीरो माइनस कितना और इसका सिक्स पाई आर स्क्वायर का टू पहला आ गया बारह पाई आर, बारह पाई बारह पाई आर ट्वेल्व पाई आर है ना, तो क्या आ जाएगा वन बाई टू माइनस में है ना माइनस में ट्वेल्व पाई आर यानी कट गया कितना सिक्स यानी मिला के माइनस सिक्स पाई आर ले लीजिए, नेगेटिव आया कि नहीं आया बोलिए ले जाए जीरो हो नहीं हुआ माइनस सिक्स पाई आर, अब यहाँ आर की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, अरे बैठिए अब यहाँ पर बैठो आप आगे बैठो, इसमें आर की वैल्यू पुट करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, सिंगल आ रहा है ना सिंगल आ रहा है वैल्यू कहाँ पुट करेंगे नहीं ना नहीं पुट करेंगे तो माइनस सिक्स पाई आर आ गया नेगेटिव आ गया भाई है ना, तो नेगेटिव आ गया तो क्या है यानी वी डबल डैश हो गया है वो लेजन क्या है जीरो है, जीरो है तो देर पर क्या हो गया कि जो वॉल्यूम हो गया क्या है मैक्सिमम है, क्या है मैक्सिमम यानी कहोगे कि बेलन का आयतन, आयतन क्या है महत्तम है, क्या ये महत्तम है, ये क्या होगा यानी क्या होगा पूर्ण हो गया है ना, या आप हिंदी भी हो गए सिद्ध हुआ तो कोई मुश्किल नहीं था बहुत आसान था, खाली सोचने की जरूरत है, इस तरह से 20 क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया है, 20 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी के साथ 6.5। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा 21 भी हम लोग देखेंगे 21 क्वेश्चन कितने आसानी से कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, बड़े प्यार से बहुत आसानी से हम लोग सोल्व करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हो गए जी अरे हो गया नहीं सर पीछे बता।